दुआ करो बेटा, जारा और वजदान को कुछ ना हो, दुआ करो। डॉक्टर साहब, जारा और वजदान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनकी जान खतरे से बाहर है। थैंक्स गॉड। यान मलिक के साथ कौन है? मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल ना हो बयां। उठ, उठ मेरा बच्चा, मनाइल, मनाइल बेटा, उठ, उठ। तू ड्राइवर के साथ घर चल बेटा, वो तुझे घर तक छोड़ देगा। ये देखें, ये मेहंदी का कलर कितना तेज आया है। तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब होता है? क्या? कि तुम्हारा होने वाला शौहर अयान तुमसे बहुत प्यार करता है। आपसे भी ज्यादा। कोई शक है मेरी गुड़िया को? बिल्कुल भी नहीं। पता है तुम मुझे बहुत याद आओगी। मैं आती जाती रहूंगी ना। रोज आओगी? बिल्कुल रोज। हाँ, वादा वादा। दो पल का ही जीवन है ये, दो पल की ही है खुशी, खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना। मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। नाहिल बिटिया, मैं नाहिल। मेरी जान, मैं नाहिल, मेरी बच्ची, मैं नाहिल, मेरी बच्ची। या इलाही, वो आप जानती हैं, यान मुझे छोड़ के चला गया। सिकंदर ने बताया। मैं मनहूस हूं, मैं सब्ज कदम हूं, मेरी वजूद की वजह से, मेरी जात की मनहूसियत की वजह से वो भी चला गया। बुआ ऐसा नहीं कहते, तुम तो उस घर की रौनक हो। आप गलत कह रही हैं बुआ, मैं किसी की खुशी की वजह बन ही नहीं सकती।
मेरी जात दीमक की तरह जो लोगों की जिंदगियों को गुन लगा देती है। आप ही दूर हटे मुझसे, दूर हो जाए। मेरे साथ के दायरे में जो भी आता है ना, उसे मेरी मनुष्यता मुझसे छीन लेती है। ऐसा मत कहो बिटिया, ऐसा नहीं सोचते। मैं किसी की मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। जो पत्ते गिर जाते हैं ना, वो ना किसी को हवा दे सकते और ना चाहो। ना मेरी जान, ना मेरी बच्ची, ना तुम मनहूस हो, ना तुम बदबख्त हो मेरा बच्चा। मैं बदबख्त हूँ बुआ, मैं मनहूस हूँ। जब छोटी थी तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, और जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैं बदबख्त हूँ बुआ। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। क्यों नहीं हुई? मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार। कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ। वजदान कहाँ है? वजदान ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो। मिनाहिल, मिनाहिल, मिनाहिल को लेके गए थे ना, मुझे याद है। वो लोग आए थे और मिनाहिल को लेके गए थे अब्बू। उन्होंने ना मिनाहिल को और आयान को मार दिया। मुझे पता है, उनको शूट कर दिया अब्बू। बेटा वो सब खरीय से है। मिनाहिल अपने घर में है और वजदान खरीय से है। तो वजदान के पास लेके चले ना मुझे। नहीं बेटा अभी नहीं, डॉक्टर्स ने कहा है कि वजदान अभी कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। हाँ तो मैं लेकर चलता हूँ। हम मुझे लेकर जाएंगे ना? हाँ बेटा लेकर जाऊंगा, अपनी बेटी को जरूर लेकर जाऊंगा। अच्छा अच्छा मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो, ठीक है? फिर चलते हैं। सिकंदर साहब, मिसेज ज़ारा वजदान के सर पे जो चोट आई है वो तो इंशाल्लाह चंद रोज़ में ठीक हो जाएगी, मगर उन्हें जो ज़हनी सदमा पहुंचा है उसके फिर से निकलने के लिए उनको कुछ टाइम लगेगा। तो क्या वो घर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, मगर आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें कोई ज़हनी टेंशन ना मिले। और वजदान? आप घर जा सकती हैं, अलबत्त वजदान साहब को भी हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर। मैं कैसे इश्क करूं।